नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को नगर पुलिस ने दबोचा। बक्सीडीह रोड स्थित आवास से हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद कोर्ट में पेश कर आरोपी को भेजा गया जेल। बिरनी के पैसम में मारपीट के बाद खेतिहर मजदूर की हुई मौत। स्थानीय मुखिया पर लगा आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पूर्णा नगर और जसपुर में भारी बारिश से 4 कच्चा मकान ढहा। घर के लोग हुए बेघर। लगाई प्रशासन से मदद के गुहार। और परसन के केंदुआ मोड़ पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब के खेप हुई जब्त। 2 की हुई गिरफ्तारी। SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। महिला से मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी भूदेव चौधरी को नगर थाना पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी 1 साल से फरार था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके बक्सीडीह के झंझरी मोहल्ला स्थित घर से गिरफ्तार किया। महिला से मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास का फरार चल रहा आरोपी भूदेव चौधरी रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरिडीह नगर पुलिस ने 1 साल बाद इसे दबोचने में सफलता पाई। गिरफ्तारी के बाद सदर अस्पताल में इसका मेडिकल जाँच करवाया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके बक्सीडीह के झंझरी मोहल्ला स्थित घर से गिरफ्तार किया। बताया गया कि जिस वक्त आरोपी को पुलिस पकड़ने गई, उसी वक्त पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन नगर थाना पुलिस को भी आरोपी के इस मकसद की भनक संभवतः पहले से लगे हुए थी, लिहाजा उसे भागने का कोई मौका दिए बगैर पुलिस ने आरोपी भूदेव चौधरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास का यह मामला 1 साल पहले का है। घटना भी शहर के झंझरी मोहल्ला से जुड़ा हुआ है। महिला ने भूदेव समेत इसके कई रिश्तेदारों के खिलाफ घर में घुसकर पति देवर और उसके साथ मारपीट करने और मारपीट के दौरान दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए नगर थाने में आवेदन दिया था। महिला के आवेदन के आधार पर ही पुलिस ने थाना कांड संख्या 228/20 दर्ज करते हुए भूदेव चौधरी, सुमन चौधरी, मिलन चौधरी और सोनू कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिसमें सुमन और मिलन चौधरी की जमानत भी हो चुकी है। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी के केंदुआ मोड़ में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब के खेप को जब्त किया है। इस बाबत SDPO मुकेश कुमार महतो ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि केंदुआ मोड़ में लाइसेंस दुकान में नकली अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। सूचना पर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, ओपी प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन ने दल बल के साथ दुकान में छापेमारी की तो वहां से 14 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। वहीं पुलिस टीम ने मौके से राजकुमार एवं सुबोध कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया है। SDPO श्री महतो ने बताया कि धंधे में शामिल अन्य लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि गिरफ्तार धंधेबाजों ने अधिक मुनाफे के लिए अवैध अंग्रेजी शराब तैयार कर बेचे जाने के बाद स्वीकार की है। कार्रवाई में पुलिस ने एक वैगनर कार और मोबाइल को जब्त किया है। सूचना मिली थी कि एक लाइसेंसी दुकान है केनवा मोड़ में, उसमें अवैध नकली शराब का जो है बेचा जाता है। इसी सूचना के आलोक में एक टीम बना, जिसमें इंस्पेक्टर जमुआ थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर परसन थाना के गए। जांच के क्रम में पाया गया कि वहाँ नकली शराब का पेटी वहाँ पे मिला, जिसमें 14 पेटी कुल है और 619 बोतल है। ये सारे नकली अंग्रेजी शराब है जिसको जब्त किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, एक राजकुमार और एक सुबोध सिन्हा। आगे भी इसमें और इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, अवैध धंधे में जो लोग की संलिप्तता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ बरामद होगा सर? एक इसके साथ में वेगनार कार है और एक
मोबाइल है जो जब्त किया गया है। ये सर गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति कौन है? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति राजकुमार है और सुबोध कुमार। खेतिहर मजदूर पर उसके मालिक ने कुदार से वार किया जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बिरनी के पैशम का है। बताया गया कि पैसे मांगने पर हुई कहासुनी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। बिरनी के पैशम में खेतिहर मजदूर बबन राम को उसके मालिक ने कुदार से मार दिया जिससे बबन की मौत हो गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बबन राम बीते 2 महीने से मुखिया राम किशोर राय के यहाँ काम कर रहे थे। शनिवार शाम को ये मुखिया के घर पैसे मांगने गए थे जिस पर मुखिया ने सुबह खेत में काम करने के बाद पैसे देने की बात कही। रविवार की सुबह ये मुखिया के खेत में काम करने के बाद पैसे की मांग करने लगे तो दोनों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि मुखिया राजकिशोर राय ने इन्हें कुदार से मार दिया जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। बताया गया कि इससे पहले भी बबन राम की बहन मुन्ना देवी को मार्च 2020 में मार दिया गया था। बताया गया कि मुखिया गांव में दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और गरीबों पर वह रौब झाड़ता रहता है। फिलहाल इस मामले के बाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लगते हैं 2 महीने से क्या नाम था? बबन राम। और ये करीबन 2 महीने से काम कर रहे थे इनके पास। किनके पास? राम किशोर राय जो पेशम बनारसी डी के हैं और इनके पास 2 महीने से काम कर रहे थे। जो वेतन मांगने गए, वेतन के वजह से कुछ झगड़ा हुआ जिसके वजह से उन्होंने फावड़ा कुदाल से मारे हैं। तो क्या वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया था? एक्सपोर्ट डेट हो गया और वो भाग आए वहाँ से, बोले कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कब हुआ ये घटना? आज का है सर। आज सुबह? हाँ आज सुबह का है। क्या कारण था? कारण यही था, वेतन कुछ मांगने का, पैसा मांगने की वजह से कुछ झगड़ा चल रहा था। पहले भी कुछ हुआ था? अब पहले का भी एक मैटर हुआ है सर। पहले भी इनका एक सिस्टर है जो उनको भी मारा हुआ है। क्या नाम था? और उनका नाम था मुन्ना देवी। तो वो भी काम करते थे? हाँ वो भी काम करते थे सर। हम लोग गरीब परिवार से हैं तो हम लोग जो है कमाने खाने पर निर्भर है सर। हम लोग काम करते हैं तो खाते हैं। तो उसको भी बीच जंगल में गाड़ी से गिराई और मार के सीधा रांची ले गए। तो लोग रांची ले गए, आज तक हम लोग को मालूम नहीं, आज तक हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिला कि किस वजह से मारा इसको। तो लोग पहले बिरनी में ले गए, बिरनी से फिर यहाँ से यहाँ यहाँ करके रांची ले गए ट्रांसफर करवाते करवाते, और आज तक हम लोग को नहीं मालूम। अहिल्यापुर के रहने वाले श्रीलाल हाजरा बरागर पुल के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहाँ फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अहिल्यापुर के रहने वाले श्रीलाल हाजरा का एक्सीडेंट रविवार को बराकर पुल के पास हो गया। इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि श्रीलाल हाजरा साइकिल से धनबाद रोड पर किसी काम से जा रहे थे। इसी बीच बराकर पुल के नजदीक पीछे से बोलेरो वाहन ने इन्हें ठोकर मार दी जिससे यह गिर कर जख्मी हो गए। घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया जहां इनका इलाज चल रहा है। पचम्बा के हंडाडीह में वैक्सीन लेने के बाद एक महिला बीमार हो गई जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में महिला को 1-2 दिन भर्ती रहने को कहा गया लेकिन वह अपने घर चली गई। बताया गया कि पहला डोज लेने के बाद महिला को चक्कर आ गया था और वह गिर पड़ी थी। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडीह के रहने वाली गुड़िया देवी रविवार को कोविड वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो गई और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अशोक पांडे की पत्नी गुड़िया देवी कल्याणडीह स्थित वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लेने गई थी। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद इसे चक्कर आ गया और यह गिर पड़ी। लोगों ने इसे उठाकर बैठाया और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी। बाद में डॉक्टर अशोक कुमार को फोन किया गया जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाने को कहा गया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसकी स्थिति सामान्य हो पाई। हालांकि इसे 1-2 दिन अस्पताल में ही भर्ती रहने को कहा गया है। बावजूद इसके महिला अपनी मर्जी से घर चली गई है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? यही वैक्सीन लेने के कारण चक्कर आ गया। कहाँ पे लिए थे वैक्सीन? कल्याणडीह। कल्याणडीह में?
फिर वहां से यहां सदर लाया। पूर्णानगर और जसपुर में भारी बारिश से 4 कच्चे मकान ढह गए। भुक्तभोगियों ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर और जसपुर में भारी बारिश से 4 कच्चे मकान धस गए, जिससे घर वाले बेघर हो गए हैं और अब सबसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। बताया गया कि पूर्णानगर में 3 घर और जसपुर में 1 घर बारिश की वजह से जमींदोज हुआ है। घटना में पूर्णानगर में बबीता देवी, मीना देवी और आशा देवी का परिवार बेघर हो गया है, तो वहीं जसपुर में सुरेंद्र टुडू का मकान ढह गया है। बताया गया कि पिछले दिनों लगातार बारिश हो रही थी, जिससे इनका कच्चा मकान दरकते दरकते आखिरकार पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस बाबत भुक्तभोगियों ने रविवार को प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई। बताया गया कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी अब तक कोई खास मदद नहीं मिल पाई है। पति था तो डेथ हो गया, तो एगो जो घर में रहते थे सो घर वो भी गिर गए, तो हम कहाँ रहेंगे। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? घर मांगते हैं, मतलब कॉलोनी आवास मांगते। क्या नाम? बबीता देवी। कुछ खेती व्यवस्थित नहीं चल रहा है, अभी हम लोग को कुछ है ये नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैंने हम मेरा घर वहाँ बना दिए, और अभी मकान भी नहीं मिला है। लाल कार्ड है? हाँ लाल कार्ड है। अच्छा लाल कार्ड है ना। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा है सुलेंदर टुडू। घर? घर जसपुर। जसपुर ठीक। मकान था वो भी वर्षा होने के कारण गिर गया, और आवाज अभी तक आया नहीं है। 2 साल हो गया खेती करने में, लिखा पढ़ी कौन सी बोलता उसको नहीं जानते हैं, और अब रहे कहाँ। आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिला। जसपुर पंचायत के चुमलो निवासी जितेश के परिजनों ने सरकार, प्रशासन व समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। बताया गया कि जितेश ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, घर वालों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, जिस वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित जसपुर पंचायत के चुमलो निवासी जितेश को किसी मददगार की तलाश है। रविवार को जितेश और इसके परिजनों ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। बताया गया कि वासुदेव का पुत्र जितेश ब्रेन ट्यूमर से कई साल से पीड़ित है। इसके इलाज की वजह से घर के गाय, बकरी, हल जोतने वाला बैल आदि बिक गया, वहीं खेत भी बंधक पर रखा गया है। बताया गया कि हर जगह इलाज कराकर परिजन थक गए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाने की वजह से सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। पीड़ित के पिता ने सरकार, प्रशासन व समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। पुर पंचायत गिरिडीह जिला के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति लड़का है मेरा, वासुदेव तुरी का, जो कि इनका नाम जितेश है, और जितेश का उम्र 85 में जन्म 6 महीना में हुआ था, जो कि अभी तक इनका बहुत ताफत का बात है, ब्रेन ट्यूमर बीमार हो गए हैं। धनबाद से लेकर के बेचू हॉस्पिटल बनारस तक ले मैं पहुँचा दिए हैं, जो कि सारी संपत्ति बैल उल बिक्रू करके ही थक गए हैं, अच्छा नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते से हम विधायक जी के पास पहुँचे, तो विधायक जी बोला कि नहीं टाटा ले जाओ, और इतना वो बता दिया उसका पिनवा हमारे कि ये करो वो करो, करते करते महीना दिन में हम स्टाफ लोग से मिल नहीं पाए हैं। तब हम मीडिया वाले को बुला करके सहायता लेने चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड सरकार से बचाव करने के लिए हमारे कुछ सहायता मिल जाए, जो कि यहाँ से दिल्ली एम्स तक ले हम पहुँचा पाएंगे, जो कि मेरे पास में अभी किराए का पैसा तक नहीं है। तो बताओ, ये सरकार से हम मदद यही चाह रहे हैं कि एक जितेश नहीं, जितेश के साथ साथ परिवार है, और उनके उनके परिवार जो है सो उसका कुछ बच्चा होने वाली है, तो एक बच्चा के चलते से हम लोग चर-चर परिवार परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरकार से हम मदद मांगते हैं कि हमको दिल्ली तक पहुंचाने के लिए किराए का उपाय करवा दीजिए, को विधायक से या कल्याण विभाग से या कोई नेता, यही हम मोदी सरकार से कह दिए हैं कि हाँ गरीब को मदद कर रहे हैं, 5 लाख तक ले हम सहायता दे रहे हैं, लेकिन यह स्मार्ट कार्ड बनेगा तब, और स्मार्ट कार्ड नहीं जिसका है उसका क्या उपाय होगा, तब वो गरीब मर जाएगा, इसलिए हम
झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से सहायता मांग रहे हैं कि दिल्ली पहुंचाने के लिए एम्स तक ले इसका कुछ सहायता मिल जाए। जय झारखंड जय भारत। भंडारीडीह स्थित रोटरी क्लब के साप्ताहिक कोविड टीकाकरण केंद्र में रविवार को 280 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। बताया गया कि ऑनलाइन पंजीकरण के अलावे केंद्र पर भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। भंडारीडीह के समीप रोटरी क्लब भवन में रविवार को साप्ताहिक कोविड टीकाकरण केंद्र में 280 लोगों का टीकाकरण किया गया। बताया गया कि विगत जून माह से रोटरी गिरिडीह द्वारा टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इस बार भी सरकार द्वारा कोविशील्ड की दोनों डोज एवं कोवैक्सीन की दूसरी डोज सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध कराई गई थी। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ स्थानीय पंजीकरण की भी व्यवस्था शिविर में उपलब्ध थी। यहां टीकाकरण के लिए आए लोगों ने विधि व्यवस्था की भरपूर सराहना की और स्वच्छ वातावरण के लिए वहां मौजूद प्रबंधकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, संयोजक विकास वगेरिया, नरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश दुकानिया, अशोक अग्रवाल, सारंग केडिया, अमित गुप्ता, डॉक्टर विनय गुप्ता, मनीष तरवे, आशीष तरवे, अंशुल जैन, पीयूष मुसद्दी आदि की अहम भूमिका रही। मेरा नाम प्रभात सिन्हा है। कौन सा डोज ले रहे हैं आप? हम सेकंड डोज ले रहे हैं कोवैक्सीन का। और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? लोगों से कहना चाहते हैं कि इंजेक्शन लगवाएं, ये हमारा जान बचा रहा है। इसमें जरा सा भी कोई तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं दे और रोटरी क्लब का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। बिना किसी परेशानी के 5 से 10 मिनट में मेरा काम हो गया, जो कि बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं रोटरी क्लब के सारे मेंबर्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी मित नहीं है इसको लेने में, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आप लीजिए और आप और अपने परिवार का जान बचाइए। धन्यवाद। पचम्बा के जगपतारी में रविवार को श्री साई हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 100 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान लोगों को उचित परामर्श दिया गया और उनके बीच निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। शहरी क्षेत्र पचम्बा के जगपतारी गांव में रविवार को श्री साई हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में लगभग 100 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। बताया गया कि लोगों का रजिस्ट्रेशन कर डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा ब्लड प्रेशर, खून जांच सहित कई बीमारियों का निशुल्क इलाज कर निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। इस बाबत डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि श्री साई अस्पताल सामाजिक क्षेत्र में हर संभव कार्य करती रहती है, आगे भी इस तरह का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे गरीब रोगियों को सही समय पर इलाज मिल सके। मौके पर कंपाउंडर अकबर, एएनएम अनु, कृष्णा सहित कई लोग अपनी सेवा दे रहे थे। नियम सरकार के द्वारा गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बताया गया है, उन लोगों को हम लोगों ने बताया। और बहुत सारे गरीब पेशेंट्स थे, उनको हम लोगों ने आगे चिकित्सा के लिए भी फ्री में हम लोग उसको मुहैया कराएंगे और आगे भी ये सारा काम हम लोग का जारी रहेगा। फ्री कैंप हम लोग करेंगे और गरीब लोग को अच्छे से अच्छे चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे। कितना पेशेंट का निशुल्क जांच किया गया? 100 के करीब पेशेंट थे। पतंजलि परिवार की एक अहम बैठक रविवार को ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाने पर विचार किया गया। पतंजलि परिवार की अहम बैठक रविवार को ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह के बरगंडा, सिरसिया, बक्सडीह रोड, पचम्बा आदि स्थानों से कई प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्र सेवा हेतु ब्रह्मचारी भाई बहनों का चयन करना, 3 वर्ष के बच्चे को पतंजलि गुरुकुल में दाखिला दिलवाना, भारतीय शिक्षा बोर्ड से वैसे सक्षम विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन करवाना जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के जिला प्रभारी का चयन करना, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग शिविर का आयोजन करना, यज्ञ हवन के द्वारा बीमारियों के इलाज के लिए यज्ञ प्रभारी का चयन करना, 16 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक व्यक्तियों का नामांकन करना आदि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें कई प्रखंडों से लोग जुड़े। बैठक में 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाने, आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण के जन्म दिवस पर जड़ी बूटी सप्ताह के रूप में मनाने तथा युवाओं का शिविर आयोजित कर युवा शक्ति को राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार करने पर विचार किया गया। इसी के साथ साथ रविवार से 5 दिवसीय युवा शिविर युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता के नेतृत्व में श्री कबीर ज्ञान मंदिर से ऑनलाइन प्रशिक्षण सुबह 5 बजे से शुरू हुआ, जो 5 अगस्त 2021 तक चलेगा। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने वाले युवा तथा युवतियों को चयनित कर सूची राज्य कार्यालय भेजी जाएगी।
और राज्य कार्यालय से हरिद्वार भेजी जाएगी। हरिद्वार में चयनकर्ताओं को 15 अगस्त से परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाएगी। यह बैठक राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे व राज्य प्रभारी रासबिहारी तिवारी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, राज्य कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय चंद्रहास रविन्द्रनाथ, पतंजलि प्रभारी परमेंद्र कुमार, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, किसान पंचायत प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, जिला कार्यकारिणी सदस्य ब्रजकिशोर गुप्ता, उमादेव वर्मा, उत्तम कुमार, सोनी शाह, उत्कर्ष गुप्ता, नेहा गुप्ता, समता देवी, ममता कंधवे, लक्ष्मी छाया आदि कई लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। सरसिया स्थित बीएनएस डीवी पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन फ्लावर मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा दूसरी तक के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी कलात्मक सृजनशीलता के सहारे एक से बढ़कर एक फूल और गुलदस्ते का निर्माण किया। सरसिया स्थित बीएनएस डीवी पब्लिक स्कूल में रविवार को ऑनलाइन फ्लावर मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर यह आयोजन यहां संपन्न हुआ, जिसमें नर्सरी से कक्षा दूसरी तक के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी कलात्मक सृजनशीलता के सहारे रंग बिरंगे कागज के माध्यम से अपने मित्रों को भेंट देने के लिए एक से बढ़कर एक फूल एवं फूलों के गुलदस्ते का निर्माण किया। इस अवसर पर नर्सरी के योगांश कश्यप, कक्षा एक के रक्षित पांडे, रितिका गुप्ता, अनुज शर्मा, अर्णव आर्यन एवं कक्षा दूसरी के देवरंजन होता, ध्रुव विश्वकर्मा, श्रेयांश रमन, कीर्ति सिंह ने बेहतरीन कलात्मक दक्षता का प्रदर्शन किया। छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को देखकर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि यह गतिविधियां सीसीए का हिस्सा है। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के अंदर छिपी सृजनात्मक प्रतिभा उजागर होती है। ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास का भाव जगता है। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र होता है। यह कार्यक्रम विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं की देखरेख में संपन्न हुआ। क्या है योगा? छन फलाबल। योगांश क्या है ये? छन फलाबल। अर्घाघाट स्थित नंदली बाबा के समाधि में शनिवार देर रात वार्षिक पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद रविवार की सुबह प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि हर साल सावन मास की सप्तमी तिथि को यहां पूजा अर्चना होती है और दूर दराज से भी लोग यहां आकर चादर पोशी करते हैं। अर्घाघाट स्थित सूर्य मंदिर के बगल में स्थापित नंदली बाबा की समाधि में शनिवार देर रात वार्षिक पूजा अर्चना की गई। रविवार की सुबह प्रसाद वितरण किया गया। बताया गया कि यहां नंदली बाबा की समाधि पर हर साल सावन मास के सप्तमी के दिन पूजा अर्चना होती है। इसमें दूरदराज के लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहां जो मन्नत मांगते हैं वह जरूर पूरी होती है। पूजा अर्चना व चादर चढ़ाने के बाद यहाँ भजन कीर्तन व आरती भी की गई। बताया गया कि यहाँ 1947 में इस समाधि को स्थापित किया गया था। नंदली बाबा की समाधि पर हर साल सावन मास के सप्तमी को पूजा होती आ रही है। यहाँ पूजा अर्चना में मुख्य रूप से मुकेश कुमार, कुंदन सिन्हा, प्रदीप गोप, छोटू, करण यादव, पवन यादव, गोविंद यादव, रवि यादव, टिंकू सिंह, आदित्य कुमार आदि लोग लगे हुए थे। Hey!
जीवन का उद्धार दर्शन करने जाने से यहाँ पे ये पूजा हो रही है। सन 1947 से नंदिनी बाबा यहाँ समाधि लिए थे, वही ईस्वी से इनका सावन के सप्तमी मास में इनका पूजा महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सभी मोहल्ला वासियों का सहयोग जन से ये पूजा मनाया जाता है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को नगर पुलिस ने दबोचा। बक्सीडीह रोड स्थित आवास से हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश कर आरोपी को भेजा गया जेल। बिरनी के पैसम में मारपीट के बाद खेतिहर मजदूर की हुई मौत। स्थानीय मुखिया पर लगा आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पूर्णानगर और जसपुर में भारी बारिश से 4 कच्चा मकान ढहा। घर के लोग हुए बेघर। लगाई प्रशासन से मदद के गुहार। और पर्सन के केंदुआ मोड़ पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब के खेप हुई जब्त। 2 की हुई गिरफ्तारी। SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।